हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे और बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है। दोस्तों, रोजाना क्लास में हम सल्फर के बारे में डिस्कस करते हैं, और भी जब केमिस्ट्री वगैरह के फील्ड में जब हम जाते हैं तो सल्फर से रिलेटेड कंपाउंड्स, बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। अच्छा चलो, पढ़ाई से भी हटकर अगर हम बात करते हैं तो जो लोग खेती पाती का जिनके यहाँ काम होता है, जिनके यहाँ एग्रीकल्चरल का काम होता है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि सल्फर क्या होता है और खेतों में यूज होता है एंटी फंगल, मतलब फफूंद नाशक के तौर पे। आज एक्चुअली दोस्तों, मैं थोड़ा सा निकली थी हवन के लिए, आजकल माता रानी का चल रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट निकली थी और मैंने वहां पर सल्फर बिकते देखा जो कि हवन सामग्री में प्रयोग होता है। मैंने कहा कि क्यों ना बच्चों को लाइव दिखाया जाए, वट एवर यू आर स्टडिंग। एक्चुअली जब आप हवन सामग्री के नाम पे बच्चा इसको क्या नाम है खरीदने जाते हो तो ये आपको गंधक के नाम से मिलता है। मैं चाहूंगी कि सर आप इधर थोड़ा सा नीचे करके दिखाइए बच्चे। ये देखो बच्चा, दीज आर द पीसेज ऑफ सल्फर। इसको जब आप खरीदोगे तो ये गंधक के नाम से मिलता है। इसको आप इसी रूप में डालते हो, किसमें, जब एग्रीकल्चरल फील्ड में जब इसका यूज होता है तो इसको एंटी फंगल के तौर पर, फफूंद नाशक के तौर पर खेती में डाला जाता है। फिलहाल अगर आपने नहीं देखा तो आप भी देखिएगा, और नहीं पता तो भैया यही कुछ, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज होती है जो सिर्फ किताबों में होती। दिस इज कॉल्ड सल्फर, वट एवर वी आर स्टडिंग इन द कॉपी एंड द बुक्स। ऑलराइट, सो इसी को गंधक के नाम से हम लोग हवन सामग्री में भी प्रयोग करते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसी जानकारी आगे भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जुड़े रहो एग्जाम्पल चैनल के।